मिट्टी जो सीएचओ में जो अभ्यर्थी लगे उनके पास उठाऊंगा। रीट 2021 26 सितंबर को ही होगी। 26 सितंबर की तैयारी करे तमाम अभ्यर्थी, क्योंकि यदि कोरोना भयंकर रूप आता, यदि तमाम घर लॉकडाउन लग जाता, ऐसे स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन 26 तारीख को ही एग्जाम होगी। लाइब्रेरियन के संबंधित अभी 16 तारीख तक आप लोगों से आवेदन मांगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया को शुरू करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और भी मुद्दे हैं, मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। और साथियों, सवाल यह है कि जो अन्य कंप्यूटर टीचर सिलेबस, इसके लिए आज मंत्री जी से मुलाकात की थी, उन्होंने यही कहा कि जल्द ही, यानी कि कल के लिए कहा, कल मीटिंग है इस संबंध में, और कोशिश पूरी की जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी, कोशिश करेंगे। लाइब्रेरियन की न्यू वैकेंसी का भी मैसेज मिला है। सीएटी हटाने की हमने मांग की है, जिसे ग्राम सेवक की जल्द से जल्द विज्ञप्ति आई और विज्ञप्ति आया और अन्य भर्तियों की आई। साथियों, लगातार आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से मैं रहता हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं, हाँ, सीएचओ की वैकेंसी आई है। वन रक्षक वनपाल की एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होगी, लेकिन इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर पा सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkalert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkalert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकली रिजल्ट, और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए। एग्रीकल्चर में जो बिना बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला सामना है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी तो वो फेस नहीं कर पा रही है। पूरा प्रतिपक्ष केंद्र में जिस प्रकार से एक साथ होकर के जनता के मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को अनसुनी कर रही है, और सत्ता के उन नशे में चूर मोदी सरकार है, उसके खिलाफ लोग अब पूरे तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, और गांव, गली, ढाणी में, चाय की चौपाल पे, कहीं भी बात कर रहे हो, गांव की चौपाल हो चाहे चाय की थड़ी हो, सब पे एक ही बात कर रहे हैं कि ये चाय वाला तो जो कहता था वो कर नहीं रहा है। अपनी राजस्थान की, अपने इलाके की बात कहने के लिए गए ही नहीं दिल्ली। भाजपा में और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस के लोग अपनी मांग उठाते हैं, उसका आला कमान उसकी मांगों पे विचार करता है, फैसला करता है। जब यूपीए सरकार थी